क्लास अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या सबको आवाज आ रही है? गायत्री आई एम रियली सॉरी, मैं यूट्यूब पे डाल नहीं पाया वो वीडियो। बहुत लोगों का रिक्वेस्ट आया था। आई थिंक सुपर पोजिशन 1 एंड 2 अभी तक से आया नहीं है। रियली सॉरी, बहुत टेंशन में है इधर कुछ तो चीज़ें, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ डालने की। ठीक है, स्टार्ट करें। इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने पाइप क्लोज्ड एट 1 एंड डन कर लिया था। क्या कोई बता सकता है पाइप क्लोज्ड एट 1 एंड कौन से हार्मोनिक्स देता है? पाइप क्लोज्ड एट 1 एंड कौन से हार्मोनिक्स देता है? अच्छा, ऑड हार्मोनिक्स देता है। ठीक है, चलो अगर मैं तुम्हें ये कहूं कि एक पाइप है क्लोज्ड एट 1 एंड, उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज है, क्या तुम मुझे बता सकते हो उसका पहला ओवरटोन कितने का होगा? कैन यू टेल मी उसका फर्स्ट ओवरटोन कितने का होगा? अरे सबकी बोलती बंद। क्या सीखा तुम लोगों ने? एन के बाद आता है 3N, फिर आता है 5N, फिर आता है 7N। भूल गए क्या? अगर N इज 3 हर्ट्ज, सो ये आपका पहला ओवरटोन है, तो ये होगा 9 हर्ट्ज का। क्या कोई बता सकता है सेकेंड ओवरटोन कितने का होगा? पंद्रह हर्ट्ज का। क्या कोई बता सकता है थर्ड ओवरटोन कितने का होगा? 21 हर्ट्ज का। क्या आप जानते हैं ये थर्ड हार्मोनिक है और फर्स्ट ओवरटोन है? क्या आप जानते हैं ये फिफ्थ हार्मोनिक है, सेकेंड ओवरटोन है? क्या आप जानते हैं ये सेवेंथ हार्मोनिक है और थर्ड ओवरटोन है? इसलिए तो आप ये कह रहे हैं ना कि हार्मोनिक ऑड है, 3, 5, 7। इसलिए तो आपने कहा कि पाइप क्लोज्ड एट 1 एंड ऑड हार्मोनिक्स देता है, समझा? क्लियर है? दिमाग की बत्ती जली? शुरू करें। बढ़िया, बाजू में डायग्राम दिख रहा है, गेस करके बताओ वो डायग्राम किसका है। बाजू में तुम्हें एक पाइप दिखाई दे रहा है, बताओ तो जरा वो पाइप कैसा है। बहुत ही बढ़िया। तो आज आप पढ़ने वाले हैं वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन अ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स। तैयार? तैयार, ठीक है। सबसे पहला वाला डायग्राम आपको ध्यान से देखना है, ए वाला डायग्राम आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। अब ए वाले डायग्राम में अगर आप
पिछला लेक्चर याद करेंगे तो पाइप क्लोज्ड एट वन एंड में क्या हुआ था, सबसे पहले हमने वन लूप बनाया था तो वो बेचारा 0.5 लूप बन गया था, फिर हमने दो लूप बनाए थे वो बेचारा 1.5 लूप बन गया था, फिर हमने तीन लूप बनाए तो बेचारा 2.5 लूप बन गया। ऐसा पाइप क्लोज्ड एट वन एंड में हुआ था आपके साथ। रीजन क्या था? रीजन ये था कि एक साइड से पाइप ओपन था। अगर एक साइड से पाइप ओपन था तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ओपन साइड पे एंटी नोड बनना चाहिए और क्लोज्ड साइड पे नोड बनना चाहिए, इसलिए ये घपला हो रहा था वहां पे। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि पाइप क्लोज्ड एट वन एंड में आप देख सकते हैं ए नंबर के डायग्राम में कि अगर मैं यहां पे एक पाइप बनाऊं इस तरह से, समझो मैंने एक पाइप बनाया ऐसा, ये एक पाइप है दोनों तरफ से खुला हुआ है, ठीक है। सपोज करो इस पाइप में मैं सिर्फ वन लूप बनाना चाहता हूं। क्या बनाना चाहता हूं? वन लूप। तो एक लूप कैसा बनता है? हाउ डू यू मेक वन लूप? सिर्फ एक लूप अगर कोई आपको बनाने के लिए बोलेगा तो आप कैसे बनाओगे? ये आपकी सेंटर लाइन बना लो, ठीक है, ये बन गया आपका एक सिंगल लूप। अगर आपको यादें ताजा करनी है तो जरा मैं यादें ताजा कर दूं आपकी। दिस इज वन लूप, राइट? क्या मैंने एक लूप बिल्कुल सही बनाया है? बिल्कुल सही बनाया, परंतु फिर आपको याद आया, अरे पाइप तो दोनों तरफ से ओपन है तो ओपन साइड पे तो एंटी नोड बनना चाहिए। फिर आपने क्या बोला? आपने बोला यहां से हम कर देंगे एंटी नोड और यहां से हम कर देंगे एंटी नोड, तो यहां बन गया एंटी नोड, यहां बन गया एंटी नोड। पर क्या आप ये बात जानते हैं कि ये डायग्राम बिल्कुल गलत है? कोई बता सकता है ये डायग्राम बिल्कुल गलत क्यों है? मैंने तो बना दिया ना, मैंने वन लूप लिया और मैंने पाइप के दोनों तरफ एंटी नोड बना दिया। क्या आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर आपके पास दो एंटी नोड है तो उसके बीच में एक नोड होना चाहिए? याद आया कुछ? हर बार नोड एंटी नोड एंटी नोड ऐसे जाता है। बराबर। क्या आपको यहां पे एंटी नोड दिख रहा है? हाँ। क्या आपको यहां पे एंटी नोड दिख रहा है? हाँ। पर क्या आपको बीच में कोई नोड दिख रहा है? क्या आपको बीच में कोई नोड दिख रहा है? बीच में कोई भी नोड नहीं है। इसका मतलब वी कैनॉट स्टार्ट विथ वन लूप इन पाइप ओपन एट बोथ एंड्स। पाइप ओपन एट बोथ एंड्स में आप एक लूप के साथ शुरुआत नहीं कर सकते। आपको पाइप क्लोज्ड एट वन एंड में आप एक लूप के साथ आपने शुरुआत किया था और वहां पे वो काम कर गया, पर यहां पे काम नहीं करेगा। तो आपको शुरुआत कैसी करनी पड़ेगी? दो लूप के साथ शुरुआत करनी पड़ेगी। वी विल स्टार्ट विथ टू लूप्स।
तैयार? दो लूप के साथ कैसे स्टार्ट करेंगे? ये आपका डायग्राम ऐसा, ये आपका डायग्राम ऐसा, दोनों तरफ एक एक लूप आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब आप एक काम करेंगे, इसमें आप एक पाइप बनाएंगे, ये आपका एक पाइप का डंडा, ये आपके एक पाइप का डंडा, आपका पाइप तैयार। फिर आपको याद आता है कि आइला पाइप यहां से ओपन है, पाइप यहां से भी ओपन है, तो यहां पे हमें कंसीडर करना चाहिए एंटीनोड, यहां पे हमें कंसीडर करना चाहिए एंटीनोड, और सेंटर में हमें मिलना चाहिए नोड। मिल रहा है? एंटीनोड, नोड, एंटीनोड, मतलब ये डायग्राम परफेक्ट है, यानी कि फर्स्ट डायग्राम परफेक्ट है। जरा चेक करके देखना, बाहर आपको मिल रहा है एंटीनोड, बाहर आपको मिल रहा है एंटीनोड, सेंटर में आपको मिल रहा है नोड, पर ये डायग्राम एक्चुअल में कैसे बना? क्या आप देख रहे हो हम लोगों ने कितने लूप्स कंसीडर किए? यहां पे दो लूप कंसीडर किए हमने, यहां पे दो लूप का डायग्राम ऐसा बनता है। ओपन साइड में आपने एंटीनोड बना दिया, यहां पे भी ओपन साइड में एंटीनोड बना दिया, तो आपका डायग्राम एक्चुअल में दिखेगा ऐसा, ऐसा खुला हुआ दिखेगा एक तरफ से। ये क्लोज्ड होना चाहिए, पर क्योंकि वो साइड में एंटीनोड बनना चाहिए इसलिए आपने ओपन कर दिया, और सेंटर में आपका नोड और दोनों तरफ आपका एंटीनोड। कितने लोग को ये डायग्राम समझ में आया? फर्स्ट डायग्राम कितने लोग को समझ में आया कि क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्यों वन लूप कंसीडर नहीं किया, क्यों यहां पे दो लूप कंसीडर किया, और दो लूप में क्यों हम खुश हैं? ये बातें कितने लोग को समझ में आ रही है? पक्का? एवरीबडी गिव मी यस और नो जल्दी। हंड्रेड परसेंट क्लियर? ठीक है, बढ़िया। अगर ये 100% क्लियर है तो हम आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान से देखना, फर्स्ट डायग्राम को स्टडी करने का वक्त आ गया है। फर्स्ट डायग्राम ऐसा क्यों है तुम्हें पता चल गया। अब जरा कल के लेक्चर की कुछ बातें आपने याद करनी है। आप जानते हो दो एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाई टू होता है, पर आप ये भी जानते हो कि जो कैपिटल एल है वो स्मॉल एल प्लस ई है। आप अच्छी तरह से जानते हो कि कैपिटल एल लैम्डा बाई टू है। आप अच्छी तरह से जानते हो कि वी इज इक्वल टू एन लैम्डा होता है, एन बराबर वी बाय लैम्डा होगा, वी बराबर यहां से आप लैम्डा को लिख सकते हो टू टाइम्स एल, लैम्डा को लिखा आपने टू टाइम्स एल, एन बराबर v अपॉन टू, l की जगह पे लिख सकते हो स्मॉल l प्लस e, पर यहां पे एक लफड़ा है, यहां हमें e नहीं लिखना चाहिए, यहां हमें 2e लिखना चाहिए। जरा बात को समझो, क्या आपको पता चल रहा है पाइप यहां से खुला हुआ है, यहां पे एक एरर है। क्या आपको पता है पाइप यहां से भी खुला हुआ है, यहां पे भी एरर है, तो दोनों तरफ मिला के टू टाइम्स एरर आपको मिलेगा, इसलिए मैंने एल प्लस टू ई लिख दिया यहां पे, इसलिए मैंने यहां पे कैपिटल एल की जगह पे स्मॉल एल प्लस टू ई कर दिया। ये आपका फॉर्मूला तैयार, एंड दिस इज योर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी।
प्रोसेस एग्जैक्टली पहले वाले लेक्चर के जैसा ही है, खाली एक चेंज आपको यहाँ पे मिला होगा कि हमने यहाँ पे 2E क्यों लिखा, क्योंकि पाइप दो तरफ से ओपन है तो दोनों तरफ आपका एरर मिलेगा। आप देख सकते हैं दोनों तरफ एंटी नोड का पॉइंट पाइप के लेवल से बाहर है, तो वहां पे भी एरर है, यहां पे भी एरर है, इसलिए एरर प्लस एरर, टू टाइम्स एरर हमने यहां पे एल में ऐड किया तो हमें लेंथ मिलेगी। बाकी लेंथ बराबर लैम्डा बाई टू कैसे आया आपको पता है, लैम्डा इज इक्वल टू 2L कैसे आया ये आपको पता है, v इज इक्वल टू एन लैम्डा हमारा सादा फॉर्मूला विच वी यूज इन एनी वेव, क्योंकि हमें एन में इंटरेस्ट था, v बाय लैम्डा, v बाय 2L और एल की जगह पे एल प्लस 2E, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हाजिर है, आया ना। Can we move forward? Everybody has understood 2E क्यों आया? Everybody has understood for that particular thing? Everybody has understood ये हमारा fundamental frequency का formula है, lowest frequency का formula, ये हमारा first harmonic है। Fundamental frequency ही lowest frequency होती है, lowest frequency ही first harmonic होता है। चलिए सेकेंड डायग्राम के पास जा रहे हैं। बी वाले डायग्राम में जरा ध्यान से देखना, यहां पे भी कैपिटल एल, एल प्लस 2E होगा, कैपिटल एल बराबर लैम्डा 1 आ रहा है यहां पे, क्योंकि आप देख सकते हो यहां पे हमने बाहर दो एंटी नोड कंसिडर किए, बीच में हमारे पास दो नोड बनेंगे अभी, मतलब एक्चुअली आपने यहां पे कंसिडर किए थे दो लूप और आपने यहां पे कंसिडर किए हैं तीन लूप। आप देख सकते हैं एक दो तीन लूप यहां पे हैं, पर जो लास्ट के दो लूप्स आपको दिख रहे हैं उनको अपन ने ऐसे से क्रॉप कर दिया है। We have cropped it like this. You can easily see there are three loops. But क्योंकि end में anti-node बनने चाहिए, इसलिए आपने इनको crop कर दिया। यहाँ पे भी ऐसे ही था। ये loop ऐसे बनने चाहिए थे। But क्योंकि end में anti-node बनना चाहिए, इसलिए आपने crop कर दिया। So शुरुआत हुई थी दो loop से। अब आपने एक loop बढ़ा दिया और end में anti-node बना दिया। तो अब आप देख सकते हैं, अगर आप यहाँ से count करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि एक anti-node और दूसरे anti-node के बीच में lambda by 2 होता है, और एक एंटी नोड और दूसरे एंटी नोड के बीच में लैम्डा बाई 2 होता है, यानी कि टोटल मिला के लैम्डा हो जाएगा। पर क्योंकि ये अगला वाला फ्रीक्वेंसी है, अगला वाला वेवलेंथ है, इसलिए हमने लैम्डा 1 यहां पे रखा है। वापस आप शुरुआत करेंगे, v इज इक्वल टू एन वन लैम्डा 1, क्योंकि आप एन वन में इंटरेस्टेड है, ये होगा v बाय लैम्डा 1, एन वन होगा v बाय एल और एन वन होगा v अपॉन एल, कितना है स्मॉल एल प्लस 2E, ये आपका एन वन आ रहा है। आप बिल्कुल ध्यान से देखना मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, एन वन में मैं ऊपर नीचे दो से मल्टीप्लाई करने वाला हूं, मैंने जानबूझ के ऊपर नीचे दो से मल्टीप्लाई किया। इसका रीजन ये है कि अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो V और 2 प्लस एल, 2 इंटू एल प्लस 2E, ये मिला के क्या बनता है, जो मैंने येलो कलर में शेड किया, ये मिला के क्या बनता है, कम ऑन कम ऑन, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो एन वन कैसे लिखा जा सकता है, कैन एन वन बी रिटन एज 2 टाइम्स एन, वेरी गुड वेरी गुड। अब तुम्हारे हिसाब से ये कौन सा हार्मोनिक है, कौन सा ओवरटोन है, कौन सा हार्मोनिक, कौन सा ओवरटोन? बहुत ही सही जवाब लोगों का, ये है सेकेंड हार्मोनिक्स और ये है फर्स्ट ओवरटोन। क्या आप तैयार हैं अगले के लिए? एक बार तीनों कंप्लीट हो गया ना मजा आता है। क्या आप तैयार हैं अगले के लिए? गेस करो अगले में कितने लूप होने चाहिए, अगले में कितने लूप होने चाहिए? आप समझ चुके हैं अगले में चार लूप होने चाहिए,
चेक करते हैं, मैं इसको कंप्लीट कर देता हूं डायग्राम को, एक दो तीन चार, आप अच्छी तरह से देख रहे हैं चार लूप है, पर एंडिंग के दो लूप को आपने क्रॉप किया है क्योंकि आपको अंत में एंटी नोड मिलने चाहिए। अगले के लिए हम तैयार है, इस वाले चीज के लिए हम तैयार है, कैपिटल एल, एल प्लस टू ई, कैपिटल एल इज थ्री लैम्डा टू बाई टू, कैसे आया आप ये जानते हैं, एन इज इक्वल टू, सॉरी एन टू इज इक्वल टू वी अपॉन लैम्डा टू, एन टू इज वी अपॉन, हाउ मच विल बी लैम्डा टू फ्रॉम हियर, इट विल बी टू एल बाई थ्री, सो इट विल बी टू एल और ऊपर जाएगा थ्री, एन टू विल बी थ्री वी अपॉन टू टाइम्स एल प्लस टू ई, क्योंकि आपका एल एल प्लस टू ई होता है। अब मैं वापस आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आप इस चीज को जानते हैं, ये चीज क्या है जो मैंने येलो कलर में शेड की है, v अपॉन टू टाइम्स l प्लस टू, आप जानते हैं ये चीज क्या है, कम ऑन कम ऑन, n2 कितना आ रहा है, थ्री टाइम्स l, कोई मुझे बताएगा ये कौन सा हार्मोनिक है और कौन सा ओवरटोन है, कम ऑन एवरीबॉडी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ये है थर्ड हार्मोनिक और ये है सेकेंड ओवरटोन, हमें और आगे जाने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ ना कुछ समझ में आ गया है, एन टू एन थ्री एन, फिर उसके बाद आएगा फोर एन, उसके बाद आएगा फाइव एन एंड सो ऑन, इसका मतलब तुम्हें क्या समझ में आता है, पाइप ओपन एट बोथ एंड्स गिव्स ऑल हार्मोनिक्स, ऑल मतलब ऑड एंड इवन बोथ, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूं कि एक पाइप ओपन एट बोथ एंड्स है, उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज की है, क्या बता सकते हो उसका पहला ओवरटोन कितने का होगा, कम ऑन एवरीबॉडी, पहला ओवरटोन कितने का होगा, यानी कि उसका सेकेंड हार्मोनिक कितने का होगा, 4 हर्ट्ज। अबे 2 टाइम्स n है ना बेटा, अगर n 2 है तो 2 टाइम्स n 4 हो जाएगा, कोई बताएगा सेकेंड ओवरटोन कितने का होगा, कोई बताएगा थर्ड ओवरटोन कितने का होगा, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। अगर आप एक बार भी बुक ओपन करके लेक्चर में नहीं आते, यू डोंट ओपन योर बुक एट अ सिंगल टाइम ऑल्सो, ठीक है, तो अगले लेक्चर में आने के बाद आपको कोई नहीं बचा सकता। पर अगर आप पिछला लेक्चर भले ही पीडीएफ से ही पढ़ के आते हैं, बुक खोल के थोड़ा देख के आते हैं, अगले लेक्चर में आपको बहुत मजा आएगा। यहां तक डन है क्या, रिप्लाई आना चाहिए सबका, बढ़िया।
इसका मतलब एक जगह पे अगर दोनों चीज लिख के मिल जाए तो मजा आ जाए। पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, एन थ्री एन फाइव एन सेवन एन एंड सो ऑन। पाइप ओपन एट बोथ एंड, एन टू एन थ्री एन फोर एन फाइव एन एंड सो ऑन। कल का लेक्चर और आज का लेक्चर दोनों मिला के ये कहानी। अब सवाल ये उठता है कि वो एरर की वैल्यू कैसे फाइंड की जाएगी। यस, वो जो एरर है उसको हम बोलते हैं एंड करेक्शन, या एरर भी बोल सकते हो। ई उस पर्टिकुलर चीज की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो चलो फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यूज करूंगा फॉर पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। आप जानते हैं पाइप क्लोज्ड एट वन एंड के लिए अगर हम कल के लेक्चर में जाके बातचीत करें तो आपको समझ में आएगा कि जो V था दैट कैन बी रिटन एज फोर टाइम्स N1 L1, फिर V लिख सकते हैं हम फोर टाइम्स N2 L2। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आता, कल का PDF ओपन करें, पाइप क्लोज्ड एट वन एंड ओपन करें, उसमें देखें कि क्या हम V को ऐसा लिख सकते हैं नहीं। एक्चुअल में हमने पाइप क्लोज्ड एट वन एंड में लिखा क्या था मैं आपको बताता हूं। असलियत में क्या लिखा है आपके नोट्स में, आपके नोट्स में लिखा है N1 इज इक्वल टू V अपॉन फोर टाइम्स L1, N2 इज इक्वल टू V अपॉन फोर टाइम्स L2, ऐसा लिखा हुआ है, चेक कर लो। तो उसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या? लिख सकता हूं, बराबर है। अब अगर आप ध्यान देंगे तो इसको, अगर इसको मैं दोनों को इक्वेट कर दूं, आई टेक दिस इक्वेशन वन, आई टेक दिस इक्वेशन टू, तो फोर टाइम्स N1 L1 विल बी इक्वल टू फोर टाइम्स N2 L2, 4 4 gets cancelled, N1 L plus E, N2 L plus E. Let me take this as L1, let me take this as L2. Don't forget, we are talking about pipe closed at one end. Pipe closed at one end में एक ही जगह पे error होता है, इसलिए यहां सिर्फ E लिखा है, 2E नहीं लिखा। अगर आप यहां से E की वैल्यू सॉल्व करके निकालेंगे तो वो आपको मिलेगा N1 N1 माइनस N2 L2 होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स N2 माइनस N1, और N2 L2 माइनस N1 L1 अपॉन 2 टाइम्स N1 माइनस N2। ये दोनों फॉर्मूले आपके एरर के लिए वैलिड है। अब ये दो फॉर्मूले क्यों? दो फॉर्मूले इसलिए क्योंकि आप देख सकते हो किसी क्वेश्चन में कुछ भी बड़ा हो सकता है, N1 भी बड़ा हो सकता है, N2 भी बड़ा हो सकता है, उस हिसाब से आप चूज करके निकाल लेना कि कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना है। ये एरर का फॉर्मूला आप यूज करेंगे कब? आई थिंक यहां पे नीचे टू नहीं आना चाहिए,
क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ई है ना, ये एरर का फॉर्मूला आप यूज करेंगे फॉर पाइप क्लोज्ड एट वन एंड के लिए। टेस्ट बुक अगर आप देखेंगे ना, तो टेस्ट बुक में यहाँ पे नीचे टू लिखा हुआ है, पाइप क्लोज्ड एट वन एंड के लिए नीचे टू लिखा हुआ है। अगर आप जाते हैं अगली चीज के लिए, अगली चीज मतलब अगर आप जाते हैं बी पार्ट के लिए, यानी कि पाइप ओपन एट बोथ एंड्स के लिए, तो पाइप ओपन एट बोथ एंड्स के लिए वी का फॉर्मूला कितना होगा? टू टाइम्स एन वन एल वन। वी का फॉर्मूला क्या होगा? टू टाइम्स एन टू एल टू। अगर आपको यकीन नहीं आता ऊपर जाके देख लेते हैं। हाँ ये देखो आ रहा है यहाँ पे एन वन इज टू टाइम्स एन, राइट। सो यहां पे हमने टू टाइम्स के इसमें पुट अप किया, और सेकंड में हमने क्या किया, टू टाइम्स एन टू एल टू किया। यहां पे इनको इक्वेट कर सकते हैं, यहां से टू टू कैंसिल हो जाएगा। एन वन एल वन की जगह पे क्या लिखना चाहिए हमें? स्मॉल एल वन प्लस टू ई एन टू। यहां पे क्या लिखना चाहिए? एल टू प्लस टू ई। अगर आप इसको सॉल्व करके ई का फॉर्मूला निकालेंगे तो वो आना चाहिए एन वन एल वन माइनस एन टू एल टू होल डिवाइडेड बाय टू टाइम्स एन टू माइनस एन वन और एन टू एल टू माइनस एन वन एल वन टू टाइम्स एन वन माइनस एन। ये दो फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे फॉर एंड करेक्शन, पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, पाइप ओपन एट बोथ एंड्स। ये एक फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला। Is it done? पक्का 100%? ठीक है, अब एक और चीज, अब हम लिखेंगे जनरल फॉर्मूला। किस चीज के लिए जनरल फॉर्मूला? पाइप क्लोज्ड एट वन एंड के लिए और पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स के लिए। देखो पाइप क्लोज्ड एट वन एंड के लिए आप अच्छी तरह से जानते हो एन थ्री एन फाइव एन सेवन एन ऐसे चलता। अगर मैं इसका एक जनरल फॉर्मूला लिखूं तो कैसे लिखूंगा? एन पी इज इक्वल टू 2p plus 1 into n, where p can be equal to 1, 2,
थ्री एंड सो ऑन। मैं आपको दिखाता हूं ये फॉर्मूला काम कैसे करेगा। सपोज कीजिए, नहीं पी की जगह पे जीरो भी पुट कर सकते हैं, जीरो वन टू थ्री। सपोज कीजिए आपने पी की जगह पे जीरो पुट किया, एन जीरो टू जीरो प्लस वन इंटू एन, टू इंटू जीरो इज जीरो, जीरो प्लस वन इज वन, आ गया आपका एन, पहले वाला मिल गया। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, अगर आपने पी की जगह पे वन पुट किया तो एन वन टू वन, क्या मिला बताओ। अरे क्या मिला, क्या ये थर्ड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन मैच हो रहा है। बताओ पी की जगह पे दो पुट करोगे तो क्या होगा, एन टू 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 प्लस वन एन टू टू जा फोर प्लस वन फाइव, मिला कि नहीं पांचवा हार्मोनिक दूसरा ओवरटोन। तो क्या आप इस बात पे यकीन करते हो कि ये जनरल फॉर्मूला काम करता है, और ये सिर्फ और सिर्फ काम करेगा पाइप क्लोज्ड एट वन एंड के लिए। चलिए क्या हम सिमिलर ऐसा ही कोई जनरल फॉर्मूला पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स के लिए निकाल सकते हैं। बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, ठीक है। तो पाइप ओपन एट बोथ एंड्स के लिए अपने पास क्या होता है, एन टू एन थ्री एन फोर एन फाइव एन एंड सो ऑन। तो जनरल फॉर्मूला है एनपी, पी प्लस वन एन, ये आपका जनरल फॉर्मूला। तो P की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, जीरो वन टू थ्री फोर डॉट डॉट डॉट। चलो चेक करते हैं ये जनरल फॉर्मूला काम करता है क्या। ये तो काम करता ही है, P बराबर जीरो पुट किया, एन जीरो जीरो प्लस वन इन टू एन, यानी कि N मिल गया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अगर P बराबर वन पुट किया, एन वन वन प्लस वन इन टू एन, मिल गया 2n, मिल गया फर्स्ट ओवरटोन सेकेंड हार्मोनिक। अगर p बराबर 2 पुट किया, n2 2 प्लस 1 n बराबर 3n, मिल गया थर्ड हार्मोनिक। यानी कि ये जनरल फॉर्मूला भी काम करता है, चेक कर लो। ये जनरल फॉर्मूला कहां और कब और कैसे यूज करना है उसके बारे में जरूर बात करेंगे, पर पहले देख लो ये जनरल फॉर्मूला तुम्हें समझ में आए क्या। सब लोग को समझ में आए पक्का, भूलना मत। यहां पे जो आप P देख रहे हो ना, P बहुत सारे लोग उस P को इग्नोर करते हैं। P जो है वो क्या है, क्या कोई बता सकता है यहां पे P किसका रोल प्ले कर रहा है, देख के बताओ और मुझे बताओ P किसका रोल प्ले कर रहा है, कौन है P यहां पे।
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पी ओवर टोन का रोल प्ले कर रहा है। जिसने भी गैस किया बिल्कुल सही गैस किया, क्योंकि आप देख सकते हो N1, NP, N1, इसी वन को देख के तुमने बोला ना फर्स्ट ओवर टोन, इसी टू को देख के बोला ना सेकेंड ओवर टोन, यानी कि पी ओवर टोन का रोल प्ले कर रहा है। यकीन नहीं आता इस वाले फॉर्मूले में भी देख लो। इसको जब तुम बोलोगे, इसको तुम बोलोगे सेकेंड हार्मोनिक फर्स्ट ओवर टोन, इसको तुम बोलोगे थर्ड हार्मोनिक सेकेंड ओवर टोन, क्या देख के बोल रहे हो? ये देख के बोल रहे हो, ये यानी कि पी, यानी कि यहां पे भी पी ओवर टोन का रोल प्ले करता है। डन डना डन बेटा, कुछ दिमाग में? फटाफट रिप्लाई आना चाहिए मुझे सब लोगों का। रिप्लाई नहीं आएगा, आगे नहीं बढ़ने वाला हूं। जब तक सब लोग का रिप्लाई नहीं आएगा आगे नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि अभी हमें करना है एक न्यूमेरिकल। क्योंकि जब जनरल फॉर्मूला देख लिया है तो एक छोटू सा न्यूमेरिकल देखने में हमारा भला हो जाएगा ना। चलो स्क्रीन पे न्यूमेरिकल है, 6.4 एक सॉल्व न्यूमेरिकल है हमारे टेक्स्ट बुक का ही है, पर समझने के लिए बहुत ही बढ़िया है। एक एयर कॉलम है जिसकी लंबाई 17 सेंटीमीटर की है, ठीक है? एयर कॉलम की लेंथ 17 सेंटीमीटर की है, यानी कि 0.17 सेंटीमीटर, 0.17 मीटर। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ फिफ्थ ओवर टोन, यानी कि पी की वैल्यू 5 है। इफ द एयर कॉलम इज क्लोज्ड एट वन एंड, अगर एयर कॉलम क्लोज्ड एट वन एंड होता है तो फॉर्मूला होता है एनपी इज इक्वल टू 2p+1 इंटू एन, यानी कि ये होगा N5 इज इक्वल टू 2 × 5 + 1 इंटू एन। पर मुझे अभी पता चला मेरे पास N है ही नहीं, आई डोंट हैव द N, तो N कैसे निकलेगा? N हम निकालेंगे V/4L करके। ये हमारा पाइप क्लोज्ड एट वन एंड के लिए होता है। N बराबर V, 340 क्वेश्चन में दिया है, आप देख सकते हो। 4 इंटू लेंथ कितनी है 0.17, तो एन कितना आया यहां से 500 हर्ट्ज। तो आपने यहां पे एन पुट कर दिया 500, आपका N5 आ गया, 5 × 2 = 10 + 1 = 11, 5500 हर्ट्ज। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये कौन सा ओवरटोन है, कौन सा हार्मोनिक है, बताओ कौन सा ओवरटोन कौन सा हार्मोनिक है? सबको ये पता है दिस इज पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, और उसी के लिए मैंने ये भी फॉर्मूला लगाया, उसी के लिए मैंने ये भी फॉर्मूला लगाया। कौन सा ओवरटोन कौन सा हार्मोनिक, सब लोगों का ये जवाब बिल्कुल सही है कि ये फिफ्थ हार्मोनिक है। सब लोगों का ये जवाब बिल्कुल सही है कि ये फिफ्थ नहीं सॉरी ये फिफ्थ ओवरटोन है। पर मैंने पूछा है कितना हार्मोनिक है, क्या आप बता सकते हो कितना हार्मोनिक है? कैसे बताओगे, कैसे बताओगे कितना वह हार्मोनिक है? बहुत ही बढ़िया, बहुत सारे लोगों ने गैस बिल्कुल सही किया है। आप यहां पे पुट कर लो ना,
टू फाइव प्लस वन एन, अगर आप इसको सॉल्व करोगे फाइव टू जा टेन प्लस वन इलेवन एन आता है, इलेवन एन मतलब ये इलेवेंथ हार्मोनिक है। दिमाग में कुछ बैठ रहा है? अरे किसी के दिमाग में कुछ बैठ रहा है? बढ़िया, अभी अगला करना है पाइप ओपन एट बोथ एंड्स के लिए करना है, तो ये होगा हमारा बी पार्ट। बी पार्ट में क्या है? पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, पाइप ओपन एट बोथ एंड्स का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितने का होता है, मतलब सॉरी जनरल फॉर्मूला कितने का होता है? पी प्लस वन एन, अपने को फाइंड करने का एन फाइव, अपन इधर पुट करेंगे फाइव प्लस वन एन, फिर अपने को पता चला अहिला एन तो है ही नहीं, तो अपन जाएंगे हमारे फॉर्मूले पे, एन होता है वी बाई टू एल, याद रखिए पाइप ओपन एट बोथ एंड्स के लिए वी बाई टू एल, वी कितना है रे 340 इंटू 0.17 बराबर 1000 हर्ट्ज, तो इधर पुट करो 1000, एन फाइव कितने का आएगा, पांच में एक छ, छ में हजार, 6000। अब मैं तुम्हें इस बात का सौभाग्य देता हूं, बताओ कितना हुआ ओवरटोन कितना हुआ हार्मोनिक्स फॉर पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, कम ऑन कितना हुआ ओवरटोन कितना हुआ हार्मोनिक, फिफ्थ ओवरटोन एंड सिक्स्थ हार्मोनिक, जिसको समझा उसको समझा, कितने लोगों को समझाइए कि जनरल फॉर्मूला काम कैसे करता है। क्लियर? एनी डाउट्स? हंड्रेड परसेंट क्लियर? ठीक है, अगली जो चीज है, नहीं नहीं नहीं, V की वैल्यू हर क्वेश्चन में आपको दी होगी पर मोस्टली 340 होती है, जो V की वैल्यू है ना वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर वो 340 होती है, बट हर क्वेश्चन में वेरी कर सकती है। ठीक है, अरे मोड्स का मतलब यही तो है बेटा, अपन जो हार्मोनिक और ओवरटोन फाइंड कर रहे हैं। नेक्स्ट इन अवर लिस्ट इज द लास्ट एंड फाइनल थिंग, जो कि है क्या, वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड इन अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग यानी रस्सी, रस्सी पाइप हो गया, रस्सी बाकी अभी याद है मैंने कल बताया था ये चीज, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इस बारे में, हम लोग पाइप और रस्सी के बारे में भी बात करेंगे। चलो रस्सी के डायग्राम लेके आता हूं, रस्सी बहुत सिंपल है, सी का डायग्राम आपके सामने तैयार है, तो रस्सी में पहले एक लूप, फिर दो लूप, फिर तीन लूप, जैसे कि पाइप में हम देखते थे कि पाइप में एंड में एंटीनोड होना चाहिए अगर पाइप खुला हुआ है, तो ऐसा ऐसा कुछ रस्सी में तो होगा नहीं ना, क्योंकि रस्सी तो दोनों तरफ से बंधी हुई है। सो आप यहां पे इजीली वन लूप, टू लूप, थ्री लूप इजीली सॉल्व कर सकते हो,
पर आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जब भी आप रस्सी की बात करते हो तो रस्सी में जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट टी बाय एम। आप इससे पहले जो फॉर्मूला यूज कर रहे थे वो यूज कर रहे थे वी इज इक्वल टू एन लैम्डा। ये वाला फॉर्मूला आप सिर्फ और सिर्फ एयर के फॉर्म में लगा सकते हो, क्योंकि पाइप में आप क्या फूक के मार रहे थे, पाइप में आप क्या फूक रहे थे, एयर फूक रहे थे। तो V इज इक्वल टू एन लैमडा नाम का फॉर्मूला आप किस में यूज कर सकते हो, सिर्फ एयर के लिए यूज कर सकते हो। पर अगर आपके पास स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग तो उसके लिए आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जिसमें T टेंशन इन स्ट्रिंग है और जिसमें M मास पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला। आपको ये चीज देख के टेंशन में नहीं आना चाहिए। अगर आपने कभी 11th स्टैंडर्ड में साउंड वेव चैप्टर पढ़ा है वहां पे भी लॉन्जिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव समझाते वक्त भी ये फॉर्मूला था। सो इन द स्ट्रिंग पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग v इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाय एम का फॉर्मूला यूज करेंगे। यस इट इज कॉल्ड एज लीनियर मास डेंसिटी ऑल्सो। शुरू करते हैं, फिर सबसे पहले वाले के लिए शुरू करते हैं, सिंगल लूप के लिए शुरू करते हैं। सिंपल सिंपल है, फटाफट निपटाते हैं इस चीज को, सबका ध्यान यहां पे होना चाहिए। देखिए सबसे पहले वाले के लिए आपकी जो लेंथ है वो लैम्डा बाई टू की है, ठीक है। तो अगर हम n इज इक्वल टू v बाय लैम्डा यहां यूज करते हैं तो v की जगह पे हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, अंडर रूट टी बाय, ठीक है, क्योंकि अभी हम स्ट्रिंग के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो और लैम्डा कितने का होगा, लैम्डा इज कमिंग आउट टू बी टू टाइम्स एल। सो पुट अप कैसे करोगे, वन अपॉन लैम्डा इनटू वी ऐसा लिख लेते हैं। तो वन अपॉन टू एल अंडर रूट ऑफ टी बाय एम, ये आ गया आपके फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, चेक कर लीजिए। दो लाइन का कमाल है, n इज इक्वल टू वी बाय लैम्डा, और अगर आप स्ट्रिंग में अगर आप यूज करते हैं तो v की जगह पे मैंने अंडर रूट टी बाय एम पुट कर दिया और लैम्डा की जगह पे 2l कैसे आया आप देख सकते हैं, बिकॉज लेंथ इज लैम्डा बाय 2, सो लैम्डा विल बी 2 इंटू एल। ये है आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। Is the fundamental frequency formula done? Can I move forward? हाँ, यहां पे भी v is equal to n lambda का formula use हुआ है। v is equal to n lambda का formula यहां भी use हुआ है। बस v को हम खाली नहीं छोड़ सकते, v को हम खाली नहीं छोड़ सकते, क्योंकि यहां पे जो v है वो आप air की velocity put कर रहे हो ना, जो कि क्वेश्चन में आप देख सकते हो 340 मीटर प्रति सेकंड की है। पर क्या आप यहां पे एयर में काम कर रहे हो, नहीं, आप यहां पे स्ट्रिंग में काम कर रहे हो और स्ट्रिंग की वेलोसिटी ऐसे निकाली जाती है। इसलिए सिर्फ इतना आपको यहां पे चेंज करना पड़ेगा कि आपको वी की जगह पे अंडर रूट टी बाय एम पुट करना पड़ेगा, बस ये आपको यहां पे एक्स्ट्रा करना पड़ेगा जो आप पाइप के केस में नहीं कर रहे थे। कैन आई मूव फॉर द नेक्स्ट वन, क्या हम बी वाले डायग्राम के पास जा सकते हैं, पक्का, ठीक है, ठीक है। अच्छा, क्या कोई बता सकता है बी वाले डायग्राम में दो लूप के लिए लेंथ कितनी है, लेंथ है लैम्डा वन, ठीक है, एन वन विल बी वी बाय लैम्डा वन,
एन वन विल बी वन अपॉन एल वन, नहीं वन अपॉन एल वन ही लिखना पड़ेगा यहाँ पे, या वन अपॉन एल भी लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ टी बाय एम, ये आपका एन वन आ रहा है। अब क्या करें, स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है, वन अपॉन टू एल अंडर रूट टी बाय एम, ऊपर नीचे टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, टू अपॉन टू इंटू वन अंडर रूट टी बाय एम। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो पार्ट है ये आपका है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो आपका एन वन आ रहा है टू टाइम्स एन, यानी कि सेकेंड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन। हम जा रहे हैं अगले डायग्राम की तरफ। तीन लूप वाले डायग्राम की तरफ जा रहे हैं। आपकी जो लेंथ है वो थ्री लैम्डा टू बाई टू आ रही है, यानी कि लैम्डा टू की वैल्यू होगी टू एल बाई थ्री। एन बराबर वी अपॉन लैम्डा टू, एन बराबर थ्री अपॉन टू एल इंटू अंडर रूट ऑफ टी बाय एम। आई होप आपको समझ में आ रहा है, लैम्डा टू नीचे की तरफ है। अगर लैम्डा टू नीचे की तरफ है, डिनोमिनेटर में है, और लैम्डा टू की वैल्यू टू एल बाई थ्री है, तो थ्री ऊपर आ जाएगा, टू एल नीचे आ जाएगा, और वी की जगह पे हम लोगों ने अंडर रूट टी बाय एम पुट किया है। अगर आप अच्छी तरह से ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि दिस पर्टिकुलर टर्म इज एक्चुअली एन, सो दिस इज एन टू, एन टू, एन टू इज कमिंग आउट टू बी थ्री टाइम्स एन। यानी कि स्ट्रिंग के लिए एन टू एन थ्री एन, आई होप पता चला, उसके बाद फोर एन आएगा, उसके बाद फाइव एन आएगा। स्ट्रिंग के लिए आप समझ सकते हैं कि वो आपको ऑल हार्मोनिक्स देगा, यानी कि ऑड भी देगा और इवन भी देगा। तो क्या आप जानते हैं स्ट्रिंग किसके जैसे बिहेव कर रहा है, कौन से वाले पाइप के जैसे बिहेव कर रहा है आपका स्ट्रिंग? आपका स्ट्रिंग कौन से पाइप के जैसे बिहेव करता है, क्लोज वाले के जैसे कि ओपन वाले जैसे? एक पाइप है जो सारे हार्मोनिक्स देता है, कौन सा पाइप देता है? ओपन एट बोथ एंड्स वाला जो पाइप है वो आपको सारे हार्मोनिक्स देता है, स्ट्रिंग आपको सारे हार्मोनिक्स देता है, बस पाइप क्लोज्ड एट वन एंड आपको ऑड हार्मोनिक देगा। क्या आपको ये बातें समझ में आ रही हैं? एवरीबॉडी का रिप्लाई आना चाहिए मुझे। पक्का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला देख रहे हो? अच्छा, जनरल फॉर्मूला क्या लिख लेते हैं, जनरल फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। एनपी विल बी इक्वल टू P times N, where P can be 1, 2, 3, 4, 5, हो गया जनरल फॉर्मूला तैयार। आप P की जगह पे 1 पुट करो, पहला वाला मिल जाएगा फंडामेंटल। P की जगह पे 2 पुट करो, दूसरा वाला मिल जाएगा। 3 पुट करो, 4 पुट करो, 5 पुट करो, हो गया काम। इसका जनरल फॉर्मूला पाइप ओपन एट बोथ एंड से थोड़ा अलग बनाया है, ताकि तुम्हें फर्क पता चले कि अच्छा ये जनरल फॉर्मूला स्ट्रिंग का है, वो जनरल फॉर्मूला पाइप ओपन एट बोथ एंड्स का है। तो दोनों का जनरल फॉर्मूला अलग बनाया, उसमें पी प्लस वन लगाया अपन ने और जीरो से शुरू किया। पी का जो वैल्यू है वो जीरो से शुरू होता है उसमें। डन, जनरल फॉर्मूला समझा?
बहुत ही बढ़िया। चलो आप लोग के लिए एक होमवर्क है, सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट अगले लेक्चर में आने के पहले पढ़ के आना है। अब आप इसके लिए यूट्यूब का सहारा लें, आप जिस चीज का सहारा लेना चाहते हैं टेक्स्ट बुक का सहारा लें, पर आपको ये एक्सपेरिमेंट अगले लेक्चर में आने के पहले आना चाहिए। क्या आप लोग से इतना होगा? शायद आपके कॉलेज या स्कूल में आपको ये एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया होगा। यस, अगर आप इतना एक्सपेरिमेंट भी करके अगले लेक्चर में आते हैं तो अपना बहुत सारा टाइम बचेगा। मैं डायरेक्टली ये एक्सपेरिमेंट ना पढ़ाते हुए डायरेक्टली इस एक्सपेरिमेंट के जो एक्सप्लेनेशंस है उनके बारे में बात करना नेक्स्ट लेक्चर में शुरू कर सकता हूं। सिर्फ एक्सपेरिमेंट क्या है बस उतना आपने यूट्यूब पे देख के आना। डन। आज के आज पाइप क्लोज एट वन एंड, पाइप ओपन एट बोथ एंड्स और आपका स्ट्रिंग, ये तीनों के तीनों चीजें आज के आज निपटाना है, मतलब निपटाना है। मैं आगे भी अभी चैप्टर कंटिन्यू कर सकता था पर मैं इसलिए कंटिन्यू नहीं कर रहा हूं ताकि आप आज के आज पहले ये तीन चीजें आप अच्छी तरह से डन करके रखें, उसके बाद ही हम आगे के चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। यानी कि सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट से हम शुरुआत करेंगे। डालता हूं बेटा, डालता हूं सुपर पोजिशन के वीडियो डालता हूं। और भी जो 10 चैप्टर कौन सा है रे बाबा, अभी किसी का कमेंट आया था 10 चैप्टर कौन सा है, कौन सा रे 10 चैप्टर नहीं डाला मैंने। MEEC है क्या? डालता हूं। ठीक है, सुपर पोजिशन भी डालता हूं और MEEC भी डालता हूं। ठीक है, चलो कल मिले, सुबह मिलने वाले आज हम। ठीक है, अब से हम सुबह मिलेंगे, सुबह बेटर है। एक घंटा भी सुबह पढ़ा, एक से डेढ़ घंटा पढ़ा बस उतना काफी है, पूरे दिन तुम अपना काम भी कर सकते हो इजीली। ठीक है, आज इसके बाद हम सुबह ही मिलने वाले हैं। अब वो टाइमिंग फ्लक्चुएट हो सकता है, 9:30 हो सकता है, सुबह 8 हो सकता है, 8:30 हो सकता है, उसके लिए तुम लोग रेडी रहने का। आई होप इट्स क्लियर। ओके, चलो बाय।